क्या आपने प्रो रिवर्ब टेक्निक के बारे में सुना है? नहीं। तो आपको इस वीडियो को जरूर से देखना चाहिए। आप इस टेक्निक को अपने लीड साउंड्स, ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंटल वोकल सभी पर यूज कर सकते हो। बेस पर भी नहीं, बेस पर कौन करेगा यार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू रिमूव मडीनेस इन योर ट्रैक्स एंड गिव टेक्सचर एंड एटमॉस्फेयर टू योर सॉन्ग्स। बाय द वे, इस वीडियो में मैंने दोनों स्टॉक एंड पेड दोनों प्लगइन से आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस टेक्निक को यूज करेंगे अपने स्टॉक एंड पेड प्लगइन, आपका कोई भी हो सकता है, उसके साथ। एंड साथ में मैं आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट साउंड एंड वोकल्स पर इसको यूज करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं अपने डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन पर, और जो कि है हमारा FL स्टूडियो। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने एक फ्लूट प्लगइन को ओपन अप कर लिया है एंड उसको मैंने साथ में अपने मिक्सर चैनल में भी लिंक कर रखा है फर्स्ट के साथ। सबसे पहले हम सिंपली फ्लूट को सुन लेते हैं कि वो किस तरीके का साउंड करेगी। बाय द वे, मैं अपने मिडी कीबोर्ड पर इसको प्ले करूंगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको मैं प्ले करूंगा अपने मिडी कीबोर्ड पर, जो कि है मेरा आर्टूरिया का मिनी लैब MK2, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट रिव्यू बना रखा है। अगर आपको चेकआउट करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर की तरफ भी मिल जाएगा। बाय द वे, अभी हम एक बार ड्राई फ्लूट को सुन लेते हैं। सो एज यू गैस, ये बिल्कुल ड्राई फ्लूट है जिसमें मैंने प्लगइन में कुछ भी छेड़खानी, रिवर्ब वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि हम इसमें प्रो टेक्निक बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप प्रो लेवल पर रिवर्ब को यूज़ कर सकते हो। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने चैनल में इसको फर्स्ट के साथ लिंक कर रखा है और यहाँ पर कोई भी अभी फिलहाल के लिए इफेक्ट नहीं लगा है। सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा कैमरा क्रशर को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कंप्रेशन चाहिए इसमें। और यहाँ पर कैमरा क्रशर में मैं यूज़ करूँगा इसका प्रीसेट ब्रिटिश क्लीन, जो कि इसको अच्छे से बिल्कुल नाइस टेक्सचर्ड कंप्रेशन दे देगा। अभी हम एक बार इसको सुन लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा फुलर साउंड आया इसके लिए मैंने यूज़ किया है, बट जो मेन टेक्निक है वो है हमारा रिवर्ब। अभी हम सबसे पहले रिवर्ब को चेक करेंगे। कोई भी आपका पेड प्लगइन हो, आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वेलहेला का विंटेज रिवर्ब। तो इसको मैंने ओपन अप कर लिया और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, मैं मिक्स नॉब को कम कर देता हूँ 20 के अराउंड एंड DK 4 सेकंड ठीक है, एंड लो को मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा, ज़्यादा छेड़खानी नहीं। एंड अभी अगर हम एक बार फ्लूट को फिर से सुनते हैं, सो आप देख सकते हो उसमें एक लॉन्ग टेल ऐड हो गई है। प्लस एक और चीज़ जो आप ऐड ऑन करोगे, जैसे अगर आप हेडफोन्स में अच्छे स्पीकर्स में सुन रहे होगे, क्योंकि मोबाइल स्पीकर में इतना अच्छे से पता नहीं चलता, और वैसे भी अगर ट्यूटोरियल देख रहे हो तो हेडफोन्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा है कि आप देखो। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं नोट को हिट कर रहा हूँ, रिवर्ब भी डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, जिससे थोड़ी सी मडीनेस और रूमीनेस सी क्रिएट हो जाती है आपकी साउंड में। अभी मैं फिर से एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एकदम से रिवर्ब ऐड ऑन हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो साउंड का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाता है अगर डायरेक्ट जैसे आप साउंड को प्ले करते हो और रिवर्ब उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो उसके लिए सबसे जो प्रो टेक्निक मोस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स और बिग प्रोड्यूसर्स भी यूज़ करते हैं, तो वो है आपको इस रिवर्ब की साउंड को कंट्रोल करना है। अब मोस्ट ऑफ लोग क्या करेंगे, वो ऑटोमेशन से करेंगे, बट मैं आपको एक प्रो तरीका बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, हमने ऐड कर लिया है फ्रूटी पीक कंट्रोलर को। बेसिकली ये करता क्या है, जो भी आपका ऑडियो सिग्नल होगा, मेन ऑडियो सिग्नल, उसके वेव पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा। बातों से नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में जैसे मैंने यहाँ पर इसको लोड अप कर लिया है, अभी इसमें कुछ भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसको डिटैच कर लेता हूँ, और यहाँ से जैसे आप देखोगे, यहाँ पर कुछ बेस, वॉल्यूम, टेंशन, डीके वगैरह हैं। ये जितना आप अच्छे से खुद यूज़ करोगे उतना पता चलेगा, बट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो विंटेज रिवर्ब पर जो मिक्स नॉब है इसका, यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं इसका इफेक्ट कितना जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है लिंक टू कंट्रोलर, इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इंटरनल कंट्रोलर पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है फ्लूटी पीक कंट्रोल फ्लूट। यहाँ पर पीक कंट्रोल प्लस पीक प्लस LFO पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इन्वर्टेड को, मैपिंग फार्मूला को इन्वर्टेड कर लेना है एंड एक्सेप्ट। अभी अगर आप देखोगे तो देखना जरा मिक्स नॉब पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब मैं अपने नोट्स को हिट करूँगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं नोट्स को हिट करता हूँ, जो पीक कंट्रोलर वो रिवर्ब की साउंड को ऑटोमेटिकली कम कर देता है 50 या 60, जितना भी, बिल्कुल प्रिसाइज करता रहता है। जैसे जैसे इसको ऑडियो सिग्नल मिलता रहेगा, उस तरीके से ये रिवर्ब की साउंड को कम कर देगा। जैसे मैं नोट को छोड़ देता हूँ, ये रिवर्ब की साउंड को फुल ऑन कर देता है। अभी मैं एक और बार आपको इसको बताता हूँ प्ले करके।
तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्रिसाइजली अपने रिवर्ब को कंट्रोल कर सकते हो एंड ये आपकी साउंड का टेक्सचर भी ख़राब नहीं होने देता और ना ही आपके साउंड में रूमीनेस और थोड़ी सी जो बॉक्सीनेस होती है उसको क्रिएट करता है। ये बिल्कुल क्लीन आपकी साउंड को रखता है और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं आप इनको अगर खुद से ट्राई करोगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे बताने से कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या होना है। बट यहाँ पर जैसे आप वॉल्यूम नॉब देख सकते हो, इसमें बेसिकली क्या है, इससे आप एडजस्ट करते हो कि वो कितना वॉल्यूम कम करेगा जब भी उसको एक ऑडियो सिग्नल मिलेगा या फिर वेव पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इसको 200 कर देते हो तो आप मिक्स नॉब देखना कितना ज़्यादा पीछे हटता है, लाइक बिल्कुल ही कम। और यहाँ पर इसको मैं पॉज करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा कम कर रहा है आपके रिवर्ब को। एंड सेम अगर हम इसकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं एंड अभी आप सुनते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेवफॉर्म में भी रिवर्ब कितना अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्रो लेवल में अपने रिवर्ब को यूज़ कर सकते हो। बाय द वे प्रो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर चुका हूँ मैं इस वीडियो में। एंड अगेन हम अब दूसरी चीज़ के लिए देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी स्टॉक प्लगइन भी हम देखेंगे, तो स्टॉक को मैं लोड कर देता हूँ जो कि हमारा फ्रूटी रिवर्ब 2। और यहाँ पर हमारा फ्रूटी रिवर्ब 2 आ चुका है। अभी हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, लो कट कर देंगे, थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे, ड्राई भी इतना सही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। डीके टाइम को बढ़ा देंगे थोड़ा सा एंड टेम्पो पर ही इसको रखेंगे, लो कट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, हाँ। एंड अभी अगर हम सुनते हैं फिर से जो रिवर्ब हो बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, जहाँ से साउंड स्टार्ट होती है वहीं से ही बिल्कुल रिवर्ब डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। अभी हम फिर से अपना पीक कंट्रोल को ओपन अप कर लेते हैं, फ्रूटी पीक कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर हम फिर से लिंक करेंगे, लिंक टू कंट्रोलर, अगेन यहाँ से पीक एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड पर क्लिक करेंगे एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, अब मैं फिर से प्ले करूँगा और मिक्स नॉब को ज़रा देखना, ये जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं कुछ भी प्ले कर रहा हूँ फ्लूट पर, ऐसा कोई अलग से खतरनाक मेलोडी नहीं बना रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर आप फिर देखते हो सेम वही मिक्स नॉब को ये बिल्कुल प्रिसाइजली कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पर ऑडियो सिग्नल ज़्यादा है आपकी मेन साउंड का वहाँ पर रिवर्ब का कम, एंड जहाँ पर आपकी मेन साउंड का वॉल्यूम खत्म होता जाता है रिवर्ब का ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। और ये बिल्कुल प्रिसाइजली होता है, इसलिए आपकी जो साउंड है उसका टेक्स्चर बिल्कुल सही बना रहता है एंड साथ में आपके जो साउंड है उसमें मडीनेस क्रिएट नहीं होती है। इसलिए ये मोस्ट ऑफ इस तरीके को लोग यूज़ करते हैं। एंड नॉट जस्ट रिवर्ब, आप ये डिले में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी एक प्लगइन को एक साउंड को दूसरे साउंड के साथ इस तरीके से करवाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इस पर ये एक्चुअल में क्या है, ये साइड चेनिंग टेक्निक्स में ही आता है, तो इस पर मैं बिल्कुल अलग से एक कम्प्लीट एक प्ले लिस्ट ही ले आऊँगा, उस पर जो साइड चेनिंग के बारे में जितनी भी वीडियोस होंगी उस पर सारी होंगी। तो अभी हम बात करेंगे अपने वोकल पर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जस्ट इंस्ट्रूमेंट पर ही नहीं बताऊंगा, आपको वोकल पर बताऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोकल से यहाँ से इफेक्ट्स को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने साइमेटिक्स का एक वोकल सैंपल ले लिया है एंड इसको मैंने अगेन अपने मिक्सर ट्रैक में फर्स्ट के साथ लिंक कर दिया है। अभी हमने इफेक्ट्स को बंद कर रखा है, हम एक बार इसको सुन लेते हैं। ऑलरेडी वेल प्रोसेस्ड सैंपल है ये, ऑफकोर्स साइमेटिक्स बहुत अच्छे सैंपल्स बनाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम फिर से रिवर्ब को ऐड कर देते हैं और पीक कंट्रोल को हम बंद रखेंगे, तो यहाँ पर देखना रिवर्ब किस टाइप से अप्लाई होता है। लाइक वाओ, सही लग रहा है, बट जैसे ही आपका वोकल स्टार्ट होता है वहीं से ही रिवर्ब अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें, जब जितना लंबा सैंपल होगा उतना ज़्यादा रिवर्ब आपस में, रिवर्ब होता क्या है एक्चुअल में, वही होता है जो साउंड आपस में टकराती रहती है, इधर उधर से आती रहती है, वही है। जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उसमें उतना ज़्यादा रिवर्ब अपनी मडीनेस क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में अगर हम फिर से पीक कंट्रोल ऑन करते हैं, अभी आप इसको साउंड को सुनना, एंड एक नज़र वहाँ पर मिक्स नॉब पर भी रखना कि ये एक्चुअल में कर कह रहा है। देखो जैसे ही आपका वोकल सैंपल स्टार्ट होता है वहाँ पर रिवर्ब की साउंड बिल्कुल ही खत्म जैसे कर देता है, आप सुन भी नहीं पाओगे। एंड जैसे ही वो वोकल ख़त्म होने वाला था रिवर्ब आ जाता है, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी, आई थिंक सो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ भी अच्छा सा, एंड
जो ये साइड चेनिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलता है एंड इस पर मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहां पर बहुत सारी वीडियोस होंगी। अगर आप काफ़ी लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाय द वे, अगर न्यू ही अभी देख रहे हो तो शायद से अभी और वीडियोस आएंगे इस पर, तो मिलेंगे न्यू वीडियो में इस तरीके से। तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rage game.